डी स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंडस्लेशन एंड इट्स स्टैंडर्ड्स विद रेलवेंट टू आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन का जब विजिट होता है किसी एक्सीडेंटल साइट के ऊपर जहाँ पर किसी किस्म का एक्सीडेंट हो चुका होता है तो उसके बाद वो फोर टाइप्स ऑफ सी दे सकते हैं यानी कि फोर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट दे सकते हैं सबमिशन दे सकते हैं फोर टाइप्स ऑफ अपनी जो रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करेंगे डी स्टूडेंट्स वो ये हो सकती हैं नंबर वन साइटेशन फॉर विलफुल वायलेशन पहली ये स्टेटमेंट है जिसका ये मतलब है कि जानते हुए इम्प्लाई ने वो वायलेशन की है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फर्ज करें कि आप ग्रीन सिगनल के ऊपर चलते हैं आप सबको मालूम है येलो सिग्नल के ऊपर आप स्टार्ट टू रेड ही रेड स्टार्ट हो जाते हैं और रेड के ऊपर आप स्टॉप हो जाते हैं फ़र्ज करें कहीं पर रेड सिग्नल है आप विलफुल उसकी वायलेशन करके आगे गुजरने की कोशिश करते हैं या गुजर जाते हैं इसको हम कहते हैं विलफुल वायलेशन इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई काम करने के लिए मना किया जाता है तो वो काम इम्प्लाई इंटेंशनली करे इसको हम कहते हैं विलफुल वायलेशन और इस चीज़ को अगर रिकॉर्ड किया जाए कैमरा में और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन इसको जज कर ले तो वह अपनी जो साइटेशन देगी तो उसको हम कहते हैं विलफुल वायलेशन साइटेशन फॉर सीरियस वायलेशन एक होता है बिल्कुल नेगलिजिबल छोटी सी वायलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है और तो कुछ वायलेशन ऐसी है जिसमें इंसान की जान जाने का भी खतरा है तो उसको हम सीरियस वायलेशन कहते हैं अदर दैन सीरियस वायलेशन के अलावा भी कुछ वायलेशन हो सकती हैं और लास्ट रिपीट वायलेशन साइटेशन वायलेशन किया आपने एक दफ़ा उसके बाद इंटेंशनली फिर पीठ की फिर पीठ की मीन कि आप यूज टू हैं वो वायलेशन करने के लिए तो ये फोर टाइप्स ऑफ वाइलेशन हो सकती हैं जो कि ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन इस पर अपनी रिपोर्ट दे सकता है अपील प्रोसेस अब अपील प्रोसेस से पहले हमें मालूम है कि ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन अपनी रिपोर्ट के साथ पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है और उसके बाद अपील का राइट एम्प्लॉयर को दिया जाता है कि वो उसके अगेंस्ट अपनी अपील प्रोसेस फाइल कर दे और वो 15 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है विद इन फिफ्टीन डेज तो उस अपील को की रोशनी में उस मुकम्मल रिपोर्ट को दोबारा रिविजिट किया जा सकता है दोबारा इंस्पेक्शन की जा सकती है सम टाइम दोबारा इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है या वो सेम डिसीजन उसी तरह भी कंटिन्यू रखा जा सकता है विद इन फिफ्टीन डेज पीरियड द एम्प्लॉयर मे कंटेस्ट असाइटेशन पेनल्टी आर एन एबेटमेंट डेट अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिपोर्ट के अगेंस्ट दे सकता है अपनी अपील पेनल्टी के अगेंस्ट दे सकता है या जो साइटेशन की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की उसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन रेज कर सकता है तो किसी भी चीज के अगेंस्ट विद इन फिफ्टीन डेज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है अपील की शक्ल में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन अप्रूव्ड स्टेट प्रोग्राम इसके कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि स्टेट की तरफ से अप्रूव्ड हैं फर्ज करें मिशिगन स्टेट है या न्यूयॉर्क स्टेट है या मैसाच्यूसट स्टेट है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम अप्रूव्ड हैं आपको आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के उसको किस तरह हम लोग आगे लेके चल सकते हैं द एक्ट एनक्रजिजस स्टेट्स टू डिवेल्प एंड ऑपरेट अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन गाइडलाइंस स्टेट जॉब सेफ्टी एंड हेल्थ प्लान अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पैदा हो गया कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन को स्टेट लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाता है और वो तमाम लोग जो स्टेट की जोग्राफिकल बाउंड्री में आते हैं उन सब के ऊपर अबाइड बाय लाजम है पचास फीसद तक मैक्म लिमिट है बाकी जो फंडिंग है वो, वो एम्प्लॉय ने खरीदनी है इससे मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प हो सकती है अ स्टैंडर्ड ये सिर्फ अथॉरिटी ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के पास है कि वो स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सकती है डिलीट कर सकती है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है या इसके अलावा उसमें कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है और उसको पब्लिश कर सकती है फॉर जनरल पब्लिक और उसके अलावा फेडरल रजिस्ट्रेशन एज अ नोटिस ऑफ प्रपोज रूल मेकिंगस जो रूल मेकिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिकमेंड कर सकती है कि इसको बाकायदा एक्ट का या आर्डीनेंस का या जो भी प्रोवेलिंग लॉ है उसका हिस्सा बनाया जाए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन शेड्यूल वन यानी कि उसका जो शेड्यूल वन है वो किस चीज़ को बयान कर रहा है एंड विल पब्लिश इन एडवांस द टाइम एंड लोकेशन इन द फेडरल रजिस्टर जो फेडरल रजिस्टर है उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के शेड्यूल वन में जो जो चीज़ें हैं वो मैंशन है लिखी हुई हैं ताकि उनसे रहनमाई ली जा सके इसको एज ए रेफरेंस यहाँ कोट किया जा रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों की रहनमाई के लिए आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन पब्लिश इन द फेडरल रजिस्टर द फुल फाइनल टैक्स स्टैंडर्ड्स अमेंडेड ये तमाम चीजें उसमें अमेंडमेंट के साथ रिविजन के साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फाइनल आफ्टर गेटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन फ्राम लेटिव अथॉरिटीज़ इनको जो फेडरल रजिस्टर है उसका हिस्सा बनाया जाता है इन अमेंडमेंट्स को ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन में पब्लिश आर डिटर्मिनेशन दैट नो स्टैंडर्ड आर अमेंडमेंट नीड्स टू बी एशूड ऑकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की परमिशन के बगैर किसी किस्म की भी सेफ्टी पॉलिसी या इसके रेलिवेंट चीज़ें ऐशू नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड डिवेल्प करना आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिश करना इशू करना और उनकी फिर परमिशन के बगैर ये चीज़ें ईशू नहीं हो सकती